पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो घटना घटी वह बंगाल में है। पीड़िता व मृतका बंगाल की थी। अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है वो बंगाल का है। अस्पताल प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब बंगाल का है। बंगाल में शासन टीएमसी का है। मुखिया ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य की गृह मंत्री भी हैं। ममता बनर्जी राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। बावजूद इसके ममता बनर्जी कल सड़क पर उतरी थी सदल बल। उस दल में सांसद, विधायक, पार्षद, पार्टी के पदाधिकारी और बहुत सारी महिलाएं पुरुष भी थे। भारी संख्या में यह जुलूस सड़क से जब गुजर रहा था तो फांसी की मांग कर रहा था और कह रहा था कि रविवार तक जितना जल्द हो सके फांसी देनी चाहिए। साथ ही यह भी कह रहा था कि सीबीआई किसी निर्दोष को फांसी न दे। सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ बंगाल में है और बंगाल की शासन व्यवस्था है टीएमसी के हाथों में है, तो फिर टीएमसी की मुख्यमंत्री आखिर सड़क पर उतरी क्यों? सोशल मीडिया में यदि देखें तो लोगों के गले उतर नहीं रहा है कि आखिर वो उतरी क्यों, किसके खिलाफ वो उतरी थी। अगर हम इसके तह में जाएं तो ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव और कन्नौज की घटना का जिक्र किया, उन्होंने उत्तराखंड के घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्र वहां क्यों नहीं अपनी टीम भेजता है, वहां क्यों नहीं तहकीकात होता है। अब सवाल यह उठता है कि अभी जो कलकत्ता में जो घटना घटी है इसकी जो तहकीकात हो रही है वह केंद्र के इशारे पर नहीं हो रहा है, यह हाई कोर्ट के द्वारा हो रहा है और हाई कोर्ट ने सीबीआई को बुलाया है और सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। इसके पहले तक ममता बनर्जी की पुलिस ही इसकी जांच कर रही थी। ऐसे में कहना बड़ा जल्दबाजी होगा या यूं कह सकते हैं कि गलत होगा कि इतना जल्द फैसला हो जाए। जहां तक कामधुनी बलात्कार का मामला है आज तक उसका कोई फैसला नहीं आया। मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में 7-8 दिन पहले घटना की सजा इतना जल्द कैसे हो सकती है? मुख्यमंत्री इस पूरे घटना के लिए बीजेपी और सीपीएम को दोषी ठहरा रही है। लेकिन इसमें एक मजे की बात यह है कि इस घटना के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस का नाम नहीं ले रही है, वरना इसके पहले हर घटना में वह सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस तीनों का नाम लिया करती थी, लेकिन अब कांग्रेस का नाम नहीं ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी अभी भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार को निशाने पर रखे हुए हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी सड़क पर क्यों उतरी? दरअसल ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि यह मामला एक तरफा हो। जिस तरह मणिपुर के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल बना था, वो नहीं चाहती हैं कि वो माहौल पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ बने और वह दिखाना चाहती हैं कि हम भी चाहते हैं कि अपराधी को सजा मिले, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न मिले। बार बार उनका इशारा धनंजय चटर्जी की तरफ है। अब यदि हम धनंजय से संजय की तुलना करें तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। धनंजय चटर्जी को 20 साल पहले सजा हुई थी और फांसी के तब तक वो आखिरी क्षण तक यह कहता रहा कि मैं निर्दोष हूं, जबकि दूसरी तरफ 20 साल बाद इस घटी घटना में संजय राय पहले दिन से ही कह रहा है कि मुझे फांसी पर लटका दीजिए। पहला फर्क तो यह है। अगर हम इसके बुनियादी फर्क को समझने की कोशिश करें तो हमें इनके जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी झांकना होगा। धनंजय चटर्जी को जब फांसी की सजा 2004 में सुनाई गई थी उस वक्त नोटिस उनके घर भेजा गया था।
कि 14 अगस्त 2004 को उनकी जब फांसी होगी तो परिवार का कोई एक सदस्य वहां मौजूद रहे जो बॉडी को ले सके। बांकुड़ा के छातना ब्लॉक के कुहीडी गांव में बीडीओ गए थे। उस दौरान बीडीओ हुआ करते थे आरपी दत्ता। आरपी दत्ता जब वो नोटिस लेकर चटर्जी के परिवार में पहुंचे तो कोई भी नोटिस लेने को तैयार नहीं था। कहा, नोटिस नहीं लेंगे, आपको जो करना है करिए। अगर नोटिस नहीं लिए कोई लेता है तो उसके बाद नियम है को नोटिस दीवार पे या दरवाजे पे चिपकाने की, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है कि कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। गांव के लोगों ने भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पूरा गांव धनंजय चटर्जी के साथ खड़ा था कि नहीं, नोटिस आप नहीं लगा सकते। उस वक्त वीडियो आरपी दत्ता ने वहां के बांकुड़ा के तत्कालीन डीएम जीए खान से संपर्क किया और जीए खान से कहा कि ऐसी स्थिति है। जीए खान ने दक्षिण 24 परगना के तत्कालीन डीएम विवेक कुमार से संपर्क किया और कहा कि क्या किया जाए। विवेक कुमार से संपर्क करने का कारण यह था कि फांसी स्थल दक्षिण 24 परगना के अंतर्गत ही आता है। दोनों डीएम ने मिलकर फैसला किया कि बगैर हस्ताक्षर के नोटिस वहां लगा दिया जाए और आखिर में वह नोटिस उनके घर पर लगा दिया गया। परिवार से कोई भी व्यक्ति नहीं आया। अब बॉडी के अंतिम संस्कार की जब बात आई तो सरकार का ही बैठक और काफी विचार विमर्श के बाद स्वयं अंतिम संस्कार करवाई थी। दूसरी तरफ यदि हम संजय राय की तरफ देखें तो संजय राय जो स्वयं इस अपराध को कबूल कर रहा है और उसके परिवार की यदि बात करें तो उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। उसके सास और उसकी साली आते हैं और कहते हैं कि आरजी कर में जिस लड़की की मौत हुई है वह अभी मेरी बेटी की तरह थी। और उनकी सास कहती है इसने मेरी बेटी को मार डाला। 2022 में इसकी शादी हुई थी। 6 महीने बाद ही वह लड़की अपने मायके लौट जाती है कालीघाट और उसे ब्लड कैंसर होता है और वो उसका इलाज नहीं करवाता है और 1.5 साल के अंदर ही वो मर जाती है। और उसकी लड़की की माँ यानी संजय की सास बार बार ये कह रही हैं कि मेरी बेटी को इसने मारा, इलाज नहीं करवाया और शारीरिक शोषण करता था। यदि संजय राय के पड़ोस में जाया जाए तो पड़ोसियों से पता चलता है कि संजय राय की ये पहली शादी नहीं थी। इसके पहले भी 4 शादियां हो चुकी थी और चारों पत्नियां इसे छोड़कर चली गई थी इसके शारीरिक शोषण जुल्म और अत्याचार के चलते। हालांकि इसकी सास को यह पता नहीं था इसकी पहले भी इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं। पड़ोसी यहां तक बताते हैं कि इसकी मां और इसके बहन से रिश्ते अच्छे नहीं थे। यानी अगर हम तुलना करें तो धनंजय और संजय में काफी बड़ा फर्क है। अब यदि हम पार्टी की बात करें तो अभिषेक बनर्जी ने घटना के दिन ही सोशल मीडिया के एक सैंडल पर ट्वीट किया था कि 24 घंटे के अंदर आरजी कर में तांडव मचाने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार भी हुए, अभी तक शायद 24 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही एक और बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। अभिषेक बनर्जी जिनके कैमिक स्ट्रीट ऑफिस से पार्टी का स्टैंड लिया जाता था या मीडिया में कौन क्या बोलेगा, क्या प्रवक्ता बोलेगा, ये सब वहां से तय होता था, लेकिन आरजी कर मामले में डॉक्टर शांतनु सेन के स्टैंड लेने के बाद उन्हें पार्टी प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया है। दूसरी तरफ यह फैसला लिया गया है कि अब जो कुछ भी होगा वह कैमिक स्ट्रीट से नहीं होगा बल्कि पार्टी प्रेसिडेंट सुब्रतो बख्शी तय करेंगे कि मीडिया में कौन क्या बोलेगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर इसी समय मिलेंगे पर्दे के पीछे।